साथियों, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये बेहतरीन वैरायटी मानी जाती है इंडिया की। और एक डॉक्टर साहब हैं जो मेरे परिचित हैं, तो उन्होंने कहा कि अनिल, ये वैरायटी इंडिया की मियाजाकी है। हालांकि जो नाम इसका है अंबिका वैरायटी वैसे बहुत खूबसूरत है, इससे दूसरे नाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पॉपुलरिटी किसी और वैरायटी की हो रही है कि लाखों में बिक रहा है, इतने में बिक रहा है, लेकिन अगर इस आम को और उस आम को मिक्स कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस वैरायटी की जो पॉपुलरिटी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप नज़दीक से आके देखें तो ये प्लांट है और ये इसमें फल हैं। अभी इनका साइज़ और इंक्रीज होगा और इस पर कलर अभी से और आएगा। किसी भी चीज़ की पॉपुलरिटी उसकी खासियत के अनुसार होती है, कहने से या किसी के बताने से नहीं होती। ये वैरायटी CISH लखनऊ ने जारी की थी। मैं उन सभी साइंटिस्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये इतनी अच्छी वैरायटी अपने इंडिया के अंदर दी, क्योंकि अब कुछ समय बाद इंडिया से ही ये वैरायटियाँ बाहर जाएंगी और इंडिया का काफ़ी नाम होगा। हालांकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल वैरायटी हैं, इनका नाम चेंज कर करके कोई विदेशी वैरायटी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग का उन्होंने गलत तरीका अपना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपनी वैरायटी है उसको अपने गर्व से कहो कि इंडियन वैरायटी है, अंबिका वैरायटी है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंबिका, तो अंबिका जो वैरायटी है इसका जो फ्रूट है बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ एक साथी हैं। भाई आप कहाँ से आए? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी। आपको क्या बागवानी के बारे में इंटरेस्ट है या आप वैसे ही आए घूमने? इंटरेस्ट, मतलब अपना खुद का लगाना चाहते हैं। आपको ये वैरायटी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक तो ये थोड़ी लेट वैरायटी है, हाँ, और ऊपर से इसका कलर, और जैसा कि बोला गया है कि मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ है ये, थोड़ा आने वाले टाइम में इसका काफ़ी अच्छा डिमांड और काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो इसके लिए मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और एक होता है अपने बाग का सुंदरता भी बढ़ाने के लिए ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। देखो आपने जो बात कही वो दोनों ही हैं। आज लोग सुंदरता बढ़ाना चाह रहे हैं कि अपने बाग की यार हरा हरा सब कुछ ना दिखे, कुछ थोड़ा कलर वाला भी हो, यूनिक, थोड़ा नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम अपने एरिया में। हाँ, तो इसीलिए हम मियाजाकी की तुलना इससे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी वैरायटी बेटर हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमने कलर वगैरह उनका भी देखा है, लेकिन ये वैरायटी बहुत खूबसूरत है। आप जहाँ से भी देखें इसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं, आप ये देखें, ये जो फ्रूट लगे हुए हैं कितने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत फ्रूट है, मार्केट में जाते ही बिकेंगे। हालांकि ये मार्केट में दिखते नहीं है, उसका एक कारण है क्योंकि मांग ज़्यादा, पौधे कम, और इंडिया के अंदर ये पौधे पूर्ति शायद आने वाले 10 से 15 सालों में हो जाए तो एक बड़ी बात मानना, क्योंकि इतने कम मात्रा में इनके अभी से मदर प्लांट है। पहले काफ़ी टाइम ये रिसर्च पर रही, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के सेंटरों पर लगाई गई, अलग अलग इनका मौसम वगैरह टेस्ट किया गया, और फिर ये किसानों के रिलीज की गई, और अब किसानों को ये कम मात्रा में पौधे मिल रहे हैं। हमारे पास भी इनके पौधे नहीं हैं अभी से, आने वाले कुछ समय में हमारे पास ये पौधे अवश्य रहेंगे, ये हमारी कोशिश है।